वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी रिवीजन का पार्ट टू। फर्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, उनकी रिवीजन कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी रिवीजन का सेकेंड पार्ट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सेल सेल इंटरेक्शन, कैसे एक सेल दूसरी की सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है प्लाज्मा लेमा की, यानी जो इनके बाहर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसके अंदर क्या होगी, कोई स्पेशलाइजेशन होगी। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आउटपुशिंग, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर बाहर की तरफ ये पुश करते हैं, आउटपुश करते हैं, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ पुश करते हैं, इसको इवेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोविलाई होगी, फ्लेजिलर और सिलेरी सीथ, जैसे कि स्टीरियोसिलिया हो गया। एंड इनपुशिंग, इनपुशिंग का मीनिंग है ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनपुशिंग की जाती है, इनवेजिनेशन की जाती है, जैसे कि पोर्स हो गए। पोर्स के केस में भी क्या होगा, लाइक यहाँ पे एक छोटा सा पोर है, तो ये पोर क्या हो गया, यहाँ पे इनवेजिनेशन हो गई है। मीजोजोम्स हो गई है, मीजोजोम जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, तो मीजोजोम हो गए, लोमासोम्स हो गए, ट्रांसफर सेल्स हो गई, ये क्या होती है, इनपुसिंग्स होती हैं, यानी कि इनवेजिनेशंस होती है। एंड थर्ड होता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेल के बीच में जंक्शन बनेगा जिसके थ्रू क्या होगा, सेल टू सेल इंट्रैक्शन होगा। दे आर कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स अक्रॉस इंटरवीनिंग स्पेस ऑफ 15 to 20 nanometer विथ विच इज ऑफ्टन फील्ड विद अ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, जो एक टिश्यू फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एक चैनल फॉर्म होगा, एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक स्पेस फॉर्म होगा, एंड ये स्पेस जो है एक टिश्यू फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जिसको सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया सीमेंटिंग मटेरियल में, जैसे कि एडहेरेंस हो गए, फ्यूजन एज ओक्युलेडेंस हो गए, स्पॉट एज मैक्यूला हो गया, एंड स्ट्रिप एज जोनुला हो गया। तो ये अलग अलग है, हम डिस्कस करेंगे। ये इन्वेजिनेशन के अंदर है सबसे फर्स्ट माइक्रोविलाई, सिंगुलर इनको माइक्रोविलस बोलते हैं। दे आर न्यूमरस अप टू 3000 फाइन प्लाज्मा लेमा इन्वेजिनेशन, क्योंकि इन्वेजिनेशन का एग्जाम्पल है, तो ये ऐसे इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, विच गिव स्ट्रेटेड और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जब भी हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इसकी एक जो स्ट्रेटेड और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है वो क्लियरली नजर आती है। माइक्रोविलाई आर सपोर्टेड इंटरनली बाई माइक्रोफिलामेंट्स, अंदर की तरफ तो ये माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू सपोर्ट की जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू। एंड एक्सटर्नली दे पोजेसेस ग्लाइकोकैलिक्स, एंड बाहर की तरफ इनके ऊपर लेयर प्रेजेंट होगी ग्लाइकोकैलिक्स की। तो माइक्रोविलाई जो है इंटरनली सपोर्ट की जाती है माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू, एंड एक्सटर्नली ग्लाइकोकैलिक्स से सराउंड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरियाज इन बिटवीन द माइक्रोविलाई आर स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। अब माइक्रोविलाई है लाइक ये, इनके बीच का जो एरिया है वो स्पेशलाइज्ड होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स। अब ये जो माइक्रोविलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को सेवरल टाइम तक इंक्रीज कर देती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टिनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है वहाँ पे, हिपेटिक सेल्स के अंदर, कॉन्यूटेटेड रीजन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल यानी कि PCT प्रोक्सीमल कॉन्यूटेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, एंड गाल ब्लैडर की लाइनिंग एंड यूटरस की लाइनिंग के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। तो ये एरियाज है जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट इवेजिनेशन स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया जो होता है नॉन म्यूटाइल इलोंगेटेड इवेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सिक्रीटरी और सेंसरी हो सकता है, ठीक है, लाइक इन ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे थे माइक्रोविलाई, ये क्या करते हैं सिक्रीटरी और सेंसरी इन फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैक्यूला, क्रिस्टा, एपिडिडाइमस। ट्रूसिलिया एंड फ्लेजेला आर कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन शीथ, ठीक है, जो ट्रूसिलिया और फ्लेजेला होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड किए जाते हैं। इवेजिनेशंस आर आल्सो अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फैगोसिटिक वेसिकल्स, एंड इवेजिनेशन जो है फैगोसिटिक वेसिकल्स के बनने के टाइम पे भी होती है।
तो फैगोसाइटिक वेसिकल के अंदर क्या होगा, ऐसे इवेजिनेशन बन जाएगी। एंड ये इवेजिनेशन क्या करेगी कि कोई भी वेसिकल होगा यहाँ पे उसको ये अंदर ले आएगी और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी, यहाँ पे ये वेसिकल बन जाएगा। तो ये फैगोसाइटिक वेसिकल भी फॉर्म करने में इवेजिनेशन से ही फॉर्म होते हैं। तो माइक्रोविलाई जो है, माइक्रोविलाई इवेजिनेशन होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इंटरनली माइक्रोफिलामेंट से सपोर्ट की जाती है, एक्सटर्नली ग्लाइकोकैलिक्स से। स्टीरियोसिलिया जो है इसके बाद, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इवेजिनेशन होते हैं, सिक्रीटरी और सेंसरी फंक्शन होते हैं। एंड इसके अलावा ये फैगोसिटिक वेसिकल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि इवेजिनेशन से ही बनते हैं वो। नेक्स्ट है यहाँ पे इनवेजिनेशन के अंदर, इनवेजिनेशन के अंदर एग्जांपल जैसे कि पोर्स एट प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग द पोर्स लीडिंग टू चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फोल्ड्स आल्सो डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसिटिक वेसिकल्स। जैसे स्टीरियोसिलिया जो थे वो एक्सोसिटिक या फिर इवेजिनेशन जो फैगोसिटिक वेसिकल है उसमें हेल्प कर रहे थे, ये एंडोसिटिक वेसिकल्स बनाने में हेल्प करेंगे। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है यहाँ पे, एट प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है कुछ प्लेसेस पे, ठीक है। एंड ये पोर्स फॉर्म करती है, तो ये क्या फॉर्म करेगी यहाँ पे, ऐसे पोर फॉर्म हो गया, पोर फॉर्म करेगी लीडिंग टू अ चैनल, फॉर्मिंग पोर्स लीडिंग टू अ चैनल। एंड ये एक चैनल फॉर्म कर लेगा ऑफ ER इनफोल्ड्स जो कि एंडोसिटिक वेसिकल्स के ड्यूरिंग भी होता है। तो ये होता है यहाँ पे पोर्स। इसके बाद मीजोजोम, कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। जैसे एक तो इनफोल्डिंग सिंपल ये हो गई, एंड कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होती है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है लाइक बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियाइड। एंड ये न्यूक्लियोइड जो होता है इनका, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे कनेक्टेड होती है। एंड इज बिलीव टू हेल्प इन न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन एंड इवन इन रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। मीजोजोम का क्या फंक्शन है, ये न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन करेगी, सेप्टम फॉर्मेशन करेगी एंड रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करेगी। ए सिमिलर इनफोल्डिंग फाउंड इन फंजाई इज कॉल्ड लोमासोम, ठीक है। सिमिलर फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको लोमासोम बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर सेल्स, बोथ सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा शो इनफोल्डिंग्स। इसके अंदर क्या है, ट्रांसफर सेल के अंदर लाइक यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर ये दोनों है कि दोनों ही इनफोल्डिंग शो करे, इसने भी शो कर दी एंड इसने भी इनफोल्डिंग शो कर दी, ठीक है। दोनों की दोनों यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों ही अगर इनफोल्डिंग शो करे तो वो ट्रांसफर सेल फॉर्म करेगी। एंड ये जो सेल्स बनेगी ये सोल्यूट ट्रांसफर के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा जो कि एनिमल सेल्स के प्लांट सेल्स के अंदर मिलती है। ट्रांसफर सेल भी प्लांट सेल के अंदर मिलती है एंड ये भी प्लांट सेल के अंदर मिलती है। दे आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स ऐसी होंगी तो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में ये ऐसे यहाँ पे एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में ब्रिज प्रेजेंट होंगे। एंड ये ब्रिज क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं दैट अकर इन वेरी फाइन पोर्स और पिट्स इन द सेल वॉल। जो सेल वॉल होगी उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होगी, उनसे ये बनते हैं, ठीक है। तो इनफोल्डिंग्स के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स जो है ये भी इन्वेजिनेशन से बनते हैं। मीजोजोम्स कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होती है जो कि रेप्लिकेशन के अंदर, न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन के अंदर, सेप्टम फॉर्मेशन के अंदर एंड रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। एंड लोमासोम जो प्रेजेंट होते हैं फंजाई के अंदर, ट्रांसफर सेल्स जो है जिसके अंदर सेल वॉल प्लस प्लाज्मा लेमा दोनों ही इनफोल्डिंग शो करें, यानी ये सोल्यूट ट्रांसफर के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। एंड लास्टली इनफोल्डिंग के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में, जो कि अगेन क्या करते हैं, ट्रांसफर में या फिर यहाँ से जो मटेरियल्स है उसके एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये इनफोल्डिंग्स हो गई। नेक्स्ट है गैप जंक्शंस, नंबर थ्री जो इंट्रैक्शन के लिए गैप जंक्शन, जिसके अंदर नेक्सस या फिर इसको मैक्यूले ओक्लूडेंटिस बोला जाता है, फाइन हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं। गैप जंक्शन क्या होते हैं, फाइन हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं फॉर्म बाय स्पेशल प्रोटीन सिलेंडर्स,
ठीक है, फॉर्म्ड ये प्रोटीन सिलेंडर्स के बने होते हैं जिनको कोनेक्सॉन्स बोला जाता है ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स हो गई यहाँ पे, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोनेक्सॉन। ठीक है, ये जो कोनेक्सॉन होता है ये ऐसे, ये क्या करता है, प्रोटीन सिलेंडर्स होते हैं जो कि एक तरह से इनके, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है, ट्रांसफर कराता है, या फिर जो एक्सचेंज होना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर गैप जंक्शन फर्स्ट है, जो क्या करता है, एक फाइन हाइड्रोफिलिक चैनल होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जिनको कोनेक्सोन्स बोला जाता है उनसे बना होता है। एंड इसके अंदर कैल्शियम 2+ आयन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ओपनिंग एंड दे आर वेरी कॉमन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनकी ओपनिंग के लिए कैल्शियम आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑप्शन के अंदर ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गैप जंक्शंस है, कौन सा आयन इनकी ओपनिंग के अंदर हेल्प करेगा, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसमें कैल्शियम आयन हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा कौन से टाइप के यहाँ पे प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको कोनेक्सोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटर सेलुलर ब्रिज। देखो इंटर है यानी दो सेल्स के बीच का ब्रिज है ये एक, प्लाज्मा प्रोजेक्शंस फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा प्रोजेक्शंस होंगी एडजेसेंट सेल्स के बीच में, दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इंटर सेलुलर स्पेस फॉर क्विक ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई जो स्टिमुलस होता है उसके क्विक ट्रांसफर के लिए बनी होती है। तो ये क्या होंगी, प्रोजेक्शंस होती है एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे, जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर। तो ऐसे करके क्या करती है, कॉन्टैक्ट में आती है, ये किस में हेल्प करती है, क्विक ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलाई में। इंटर डिजिटेशंस के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो जैसे कि अगर हम दोनों हाथों की डिजिट ले और उनको क्रॉस करें, ऐसे अगर हम क्रॉस करें तो ये इंटर डिजिटेशन बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे टाइप की फॉर्म होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन आउटग्रोथ, ठीक है, मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है एडजेसेंट सेल्स की, विच फिट इनटू वन अनदर। यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, इंक्रीज एडहेरेंस एंड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया जो है एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स के लिए उसको इंक्रीज कर देती है। तो ये होती है इंटर डिजिटेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेस्मोसोम्स, जिसके अंदर स्पोर्ट डेस्मोसोम बोला जाता है, या फिर इनको मैक्यूलो एडहेरेंटिस बोला जाता है। दे आर जस्ट लाइक वेल्डेड एरियाज, ठीक है, ये क्या होते हैं, वेल्डेड एरियाज होते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में, हैविंग इंटरसेलुलर थिकनिंग मटीरियल। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर थिकनिंग मटीरियल होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं, डिस्क शेप्ड इंट्रा सेलुलर थिकनिंग एडजेसेंट टू ईच मेम्ब्रेन विदाउट टोनो विद टोनोफिब्रिल्स। ठीक है, ये विद टोनोफिब्रिल्स होते हैं। डिटेल में भी हम इन जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हो, आपको लिंक जो है आई बटन के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो का, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस का वीडियो। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, वेल्डेड एरियाज होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर थिकनिंग मटीरियल इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इनके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को ट्रांस करेंगे, डिस्क शेप के इंटरसेलुलर थिकनिंग एडजेसेंट होती है मेम्ब्रेन से, एंड ये विद टोनोफिब्रिल्स होते हैं, इनके अंदर टोनोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। डेस्मोसोम्स अकर इन एपिथीलिया सब्जेक्टेड टू डिसरप्शन। ठीक है, ये एपिथीलिया से बने होते हैं, जैसे कि ये जो इसकी एपिथीलियम है उसके अंदर डिसरप्शन हो गया उसकी वजह से। इसके बाद डेस्मोसोम का एक होता है हैमी डेस्मोसोम, यानी कि हाफ ऑफ द डेस्मोसोम। ये डिस्क शेप का इंटरसेलुलर थिकनिंग होता है जो कि वन सेल के अंदर होता है, इसके सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इसका डेस्मोसोम का हाफ होता है। कोलेजन फिब्रिल्स आर फाउंड इन द प्लेसेस ऑफ इंटरसेलुलर थिकनिंग, एंड यहाँ पे जो ये इंटरसेलुलर थिकनिंग बनती है इनके बीच में यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट डेस्मोसोम्स पोजेसेस ट्रांसवर्स सेप्टा इन बिटवीन इंस्टेड ऑफ इंटरसेलुलर सीमेंट। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर सीमेंट नहीं प्रेजेंट होती है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेल्स के बीच में। ठीक है, सेल्स होगी, इनके बीच में ऐसे ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, टोनोफिब्रिल्स एबसेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, टोनोफिब्रिल्स एबसेंट होंगे यहाँ पे। एंड सेप्टेट क्रोमोसोम्स, सेप्टेट डेस्मोसोम्स अकर्स इन इनवर्टिब्रेट्स,
सेप्टेट वाले जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होंगे. तो डेस्मोसोम होगा, एक हैमी डेस्मोसोम होगा एंड देन एक सेप्टेट डेस्मोसोम होगा जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है यहाँ पे टाइट जंक्शन, जोनुला ऑक्लेडेंटिस. टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? प्लाज्मा लेमा ऑफ टू सेल्स फ्यूज टू फॉर्म इनपरमेबल और ऑक्लेडिंग जंक्शंस फॉर्म करती है, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज एंड ब्रेन सेल्स. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होगी या फिर कैपिलरीज एंड ब्रेन सेल्स होगी, ये क्या फॉर्म करते हैं? टाइट जंक्शन फॉर्म करती है. तो इसके अंदर क्या होती है, सेल्स बिल्कुल फ्यूज्ड हो जाती है, टाइटली फ्यूज्ड हो जाती है एंड एक इनपरमेबल और ऑक्लूडिंग जंक्शन फॉर्म करती है, तो इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन. एंड ये एपिथेलियल सेल्स एंड कैपिलरीज ऑफ ब्रेन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. फंक्शंस जो है, फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट टिश्यू. जिस टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होगा उस टिश्यू के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन होगा. नेक्स्ट है टर्मिनल बार्स. टर्मिनल बार्स को बेल्ट डेस्मोसोम्स या फिर जोनुले एडहेरेंटिस बोला जाता है. डेस्मोसोम्स विच लैक टोनोफिब्रिल्स, ठीक है तो ये डेस्मोसोम बेल्ट डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम है लेकिन टोनोफिब्रिल्स यहाँ पे एब्सेंट है, वेयर डिस्कोइड थिकनिंग आर रिप्लेस्ड बाय बैंड्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. वहाँ पे क्या था, डिस्कोइड थिकनिंग प्रेजेंट थी ऐसे अंदर की साइड, सेल्स के अंदर की साइड ऐसे डिस्कोइड थिकनिंग प्रेजेंट थी. अब ये जो डिस्कोइड थिकनिंग है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी है माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू. तो ये होता है बेल्ट डेस्मोसोम के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिविजन. ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी टाइप की इन्वेजिनेशन होती है, इवेजिनेशन होती है एंड इसके अंदर जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सेल कम्युनिकेशन के लिए. एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सेल डिवीजन, ठीक है, जिसके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस डिस्कस करेंगे हम. तो सबसे फर्स्ट माइटोसिस, जो कि डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी. इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक डिवीजन एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड माइटोसाइट्स. जिन सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, मीन्स सोमैटिक सेल्स जिनके अंदर माइटोसिस होगी, इनको माइटोसाइट्स भी बोला जाता है. ठीक है, इनको माइटोसाइट्स भी बोला जाता है. इन एन इक्विटेशनल डिवीजन दैट डिस्ट्रीब्यूट क्रोमोजोम्स इक्वली टू द डॉटर सेल्स. ठीक है, ये क्या होती है, इक्विटेशनल डिवीजन होती है जो कि इक्वली क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है. टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, दो डॉटर सेल्स बनेंगी. इट टेक्स 30 मिनट्स टू 3 आवर्स, ठीक है, 30 मिनट्स टू 3 आवर्स का टाइम ले सकते हैं फॉर कंप्लीशन द डिवीजन यानी माइटोसिस. फेजेस ऑफ माइटोसिस और सेल साइकिल के फेज क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट होता है इंटरफेज, देन होता है कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन. एंड न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आते हैं, इनकी PMAT ये आते हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के अंदर. एंड देन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस आती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. ठीक है, ये होती है यहाँ पे स्टेजेस होती है, फिर फेजेस होते हैं सेल साइकिल के अंदर. तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है यहाँ पे प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज हो गई. प्रोफेज के अंदर यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट थे, ये यहाँ पे एस्ट्रल रेज बननी स्टार्ट हुई. एंड इसके बाद नेक्स्ट मेटाफेज आई, मेटाफेज के अंदर ये जो यहाँ पे फाइबर्स थे ये कंटिन्यूस हो गए. ठीक है, यहाँ पे ये डैश्ड फाइबर्स थे, बनने स्टार्ट हुए थे, फाइबर्स कंटिन्यूस हो गए हैं एंड जितने भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर के ऊपर लाई कर जाएंगे. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये एक प्लेट के ऊपर आ जाएंगे. एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, एनाफेज, जिसके अंदर ये जो है अगेन ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे डॉटर क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट टीलोफेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो कंप्लीटली पोल्स की तरफ ये मूव कर जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर आ जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर स्टार्ट हो जाएगी, लाइक यहाँ पे डिसअपियर होनी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे रीअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी. स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स दोबारा से बनने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड इसके बाद नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये सेल फरो बनेगी बीच में से एंड ये साइटोकाइनेसिस हो जाएंगी, यानी कि ये दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे. तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है इंटरफेज और प्री सिंथेटिक फेज, इसको बोलते हैं, जो कि 10 टू 20 आवर्स का होता है.
इन दिस फेज देर इज नो डिविजन ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्रोमोजोम की डिविजन नहीं होती है, बट सेल अंडरगो मैनी कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक चेंजेस. ठीक है, कैटाबोलिक क्या होते हैं, ब्रेक डाउन, एंड एनाबोलिक सिंथेटिक यानी सिंथेसिस होगा यहाँ पे. तो बहुत सारे सिंथेसिस होंगे यहाँ पे, ब्रेक डाउन होंगे टू मेक इट सेल्फ फिट फॉर द डिविजन. अब यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक है यानी प्रिपरेटरी फेज है, ये प्रिपरेशन कर रहा है खुद को डिविजन के लिए. इट टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस एज, ये अलग अलग स्टेजेस के अंदर हो सकता है. सबसे फर्स्ट है यहाँ पे G1, गैप 1, ग्रोथ, फर्स्ट स्टेज या फिर प्री सिंथेटिक फेज जो कि 6 to 8 आवर्स का होता है. तो इस G1 और गैप 1 फेज के अंदर क्या होता है, इट इज मार्क्ड बाय हाई मेटाबॉलिक रेट. जैसे इसके रिगार्डिंग हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, जो हम MSc लाइफ साइंसेज एंट्रेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि G1 फेज के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है, या फिर G1 फेज के अंदर ग्रोथ होती है, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, ग्रोथ होती है, ग्रोथ 1 फेज होता है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे DNA की डिवीजन, DNA की सिंथेसिस नहीं होती है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हाई मेटाबॉलिक रेट होता है. इंक्रीज इन सेल साइज, सेल साइज इंक्रीज होता है, डबलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA. अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल हैं वो क्या कर जाएंगे, डबल कर जाएंगे एक्सेप्ट सेंट्रियोल, ये इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सेंट्रियोल डबल नहीं करेगा, बाकी सारी ऑर्गेनल डबल कर जाएंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के RNAs यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे. तो G1 फेज के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, सेल साइज इंक्रीज होगा, डबलिंग ऑफ द ऑर्गेनल एक्सेप्ट सेंट्रियोल एंड RNAs, बहुत सारे RNAs की फॉर्मेशन होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट इसके बाद आएगा एस फेज और सिंथेटिक फेज इसको बोलते हैं, जो कि 5 to 7 आवर्स का होता है. इसके अंदर सिंथेसिस होगा, DNA का सिंथेसिस होगा यहाँ पे. दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाई डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोनिक प्रोटीन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी. तो 2n क्रोमोसोम विल चेंज इनटू 2 into 2n यानी कि 4n यहाँ पे हो जाएगा. वंस द फेज बिगिन सेल मस्ट गो अंडर गो माइटोसिस. अगर एस फेज आ गया है तो सेल माइटोसिस के अंडर जाएगी जाएगी. ठीक है, अगर G1 के फेज के अंदर कोई इनहिबिटर आ गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स आ गए हैं या फिर डिसरप्शन हो गया है यहाँ पे, तो इसमें अगर आ गया है यहाँ पे तो नेक्स्ट सेल जो है एस फेज के अंदर एंटर नहीं करेगी जब तक उसको रिपेयर नहीं किया जाता. लेकिन एस फेज के अंदर अगर सेल आ गई है यानी कि यहाँ पे एक बार ये फेज अगर स्टार्ट हो गया है तो सेल जो है वो माइटोसिस के अंडर जाएगी ही जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड यहाँ पे हिस्टोनिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. एंड कंडीशन क्या आ जाती है यहाँ पे, 4n आ जाती है. नेक्स्ट है G2 फेज, गैप 2 फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज जो कि 2 to 5 आवर्स का होता है. इट इज मार्क्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल. यहाँ पे सेल की वॉल्यूम इंक्रीज होती है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स अंडरगो डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ RNA. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स है वो डिवीजन के अंडर जाएंगे एंड RNA की सिंथेसिस होगी. प्रोटीन्स कंटिन्यू स्पेशली फॉर स्पिंडल एंड एस्टर फॉर्मेशन. ठीक है, RNA एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे स्पिंडल एंड एस्टर फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्पिंडल और एस्टर फॉर्मेशन होनी इस टाइम पे, तो उसके लिए क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन होनी है यहाँ पे, डिवीजन होगी तो उसके अंदर स्पिंडल्स और एस्टर्स हेल्प करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे RNA एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी. तो गैप 2 फेज के अंदर क्या होगा, सेल पहले तो अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, सेकंड यहाँ पे डिवीजन होगी माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड्स की, RNA एंड प्रोटीन की कंटिन्यू सिंथेसिस होती रहेगी स्पेशली फॉर द स्पिंडल एंड एस्टर फॉर्मेशन. एनर्जी स्टोर ऑफ द सेल इंक्रीजेज एंड यहाँ पे एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज हो जाएगा सेल के लिए. नेक्स्ट है G0 फेज और क्विसेंट फेज. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज द स्टेज ऑफ डिफ्रेंशिएशन सेल्स लाइक मसल सेल्स, नर्व सेल्स, RBCs एक्सेट्रा विच डू नॉट गो अंडर गो डिविजन बियॉन्ड G1 स्टेज. अब G1 स्टेज के बाद अगर वो उनके जब जो जिन सेल्स के अंदर ये मान के चलो डिवीजन नहीं हुई है,
उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, लाइक मसल सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर या फिर आरबीसी सेल्स, इनके अंदर डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। मसल सेल्स, नर्व सेल्स और आरबीसी के अंदर डिवीजन नहीं होती है, तो ये किसकी वजह से हुई, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है इनकी। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट इन द बेसिस ऑफ सम इवेंट्स इट हैज़ बीन डिवाइड इनटू फोर फेजेस, चार फेजेस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है। तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे फर्स्ट होती है प्रोफेज, जो कि 50 मिनट्स की होती है। सेल टर्न्स राउंड बाय डीपोलिमराइजेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स इनटू इट्स सब यूनिट्स। माइक्रोटिब्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ये ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अभी ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर ब्रेक हो गई है, ये क्या हो गई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पे ये क्या हुई है, यहाँ पे डीपोलिमराइजेशन हुई है इसकी सब यूनिट्स के अंदर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डीपोलिमराइजेशन होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सेकेंड यहाँ पे साइटोप्लाज्म बिकम विस्कस, साइटोप्लाज्म और भी ज़्यादा विस्कस बन जाएगा। एंड सेंट्रियोल डिवाइड इंटू टू एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अभी हमने देखा था कि सेंट्रियोल्स वहाँ पे डबल नहीं करते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स डबल नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें डबल कर जाती है, तो ये सेंट्रियोल यहाँ पे डबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्चुअली डिवाइड्स इनटू टू, जिसको डिप्लोसोम बोलेंगे, एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। दोनों के दोनों जो अपोजिट पोल होंगे इस साइड, इनकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वेयर दे रेडिएट एस्ट्रल रेज। यहाँ पे क्या करेंगे, ये एस्ट्रल रेज को रेडिएट करेंगे एंड स्पिंडल्स को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फी एस्ट्रल, इसको क्या बोला जाता है, एम्फी एस्ट्रल बोला जाता है। सेंट्रियोल डिवाइड करेंगे दो डिप्लोजोम्स के अंदर, एंड ये डिप्लोजोम्स जो है अपोजिट पोल्स के ऊपर जाएंगे, एंड ये रेडिएट करेंगे एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल्स को, और इस कंडीशन को एम्फी एस्ट्रल बोला जाता है। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम अपियर एज शॉर्ट एंड थिक एंड रोड्स विद अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, एंड क्रोमोसोम्स जो है शॉर्ट थिक एंड रोड लाइक अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड यहाँ पे नजर आएगा। क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू 4% ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पे क्या होगी, कंडेंसेशन होगी एंड स्पायरलाइजेशन होगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ से 4% तक कम हो जाएंगे ड्यू टू कंडेंसेशन एंड स्पायरलाइजेशन, उनकी और ज़्यादा ऐसे स्पायरल्स बन जाएंगे, ज़्यादा स्पायरल्स बन जाएंगे, ये कंडेंस हो जाएंगे। तो ये होता है प्रोफेज के अंदर, डीपोलिमराइजेशन होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा, सेंट्रियोल दो के अंदर डिवाइड करेगा, एंड दोनों डिप्लोजोम अपोजिट पोल के ऊपर मूव करेंगे, एंड अपोजिट पोल्स के ऊपर ये एस्ट्रल रेज और स्पिंडल्स गिव राइज करेंगे, एंड इस कंडीशन को एम्फी एस्ट्रल बोला जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे और ज़्यादा थिक हो बोल सकते हैं थिक हो जाएंगे, एंड इसके अलावा इनके अंदर स्पायरलाइजेशन हो जाएगी, ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है मेटाफेज, जो कि 2 से 10 मिनट्स की होती है। मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कम्प्लीटली, लाइक प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी है। न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कम्प्लीट एंड अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन उसके अंदर स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे ये कम्प्लीट हो जाएगी। एंड क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, जो स्पिंडल्स हैं उनके इक्वेटर के ऊपर ये क्रोमोसोम्स जो है ऐसे लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लाई करेंगे, इक्वेटर प्लेट के ऊपर लाई करेंगे, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ग्रेस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक मेटाफेज प्लेट किस स्टेज में बनती है, या फिर एक इक्वेटर प्लेट के ऊपर कब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, तो ये मेटाफेज के ड्यूरिंग अरेंज होते हैं। बीगर क्रोमोसोम्स आर अरेंज टूवर्ड्स द पेरीफ्री, ठीक है, पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे, एंड स्मॉलर वंस आर इन द सेंटर, दिस क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एट दिस स्टेज। एंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ड्यूरिंग
क्लियरली विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स, तो ये होती है मेटाफेज। तो इसके अंदर जो बड़े क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरिफ्री की तरफ होंगे एंड जो छोटे क्रोमोसोम्स होंगे वो सेंटर की तरफ होंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट एनाफेज जो कि सिर्फ 2 to 3 minutes की होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है स्प्लिट्स अप इनटू टू एंड डॉटर क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट साइड। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम्स क्या कर दिए जाएंगे इसमें अपोजिट पोल्स की तरफ, इस साइड ये जो है अपोजिट अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करने स्टार्ट कर दिए जाएंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि इस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स कंसंट्रेट हो गए हैं एंड कंसंट्रेट होने की वजह से ये जो यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स है वो पोल्स की तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ भेज दी जाएंगी, सेंट्रोमियर भी यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। तो ये होता है एनाफेज के अंदर। इसके बाद लास्ट वन टीलोफेज जो कि 1 hour की होती है। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन अराउंड क्रोमोसोम्स स्टार्ट। अब अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई है, लाइक वहां पे डिसअपीयर हुई थी यहां पे बननी स्टार्ट हो गई है। क्रोमोसोम्स बिकम लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। अब हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स जो है बिल्कुल कंडेंस हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, यहां पे अगेन लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड क्रोमेटिन फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गई है। न्यूक्लियोप्लाज्म गैदर्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स एंड ये जो क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे लाइक ये जो क्रोमोसोम्स है इनके अराउंड जो है न्यूक्लियोप्लाज्म गैदर होना स्टार्ट हो जाएगा। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलाई फ्रॉम NOR, ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होगा उससे यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस होगा न्यूक्लियोलाई का फ्रॉम NOR एंड स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज डिसअपियर। यहाँ से स्पिंडल फाइबर एस्ट्रल रेज डिसअपियर हो जाएंगे, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंक्रीज हुई थी सबसे फर्स्ट प्रोफेज के अंदर, यहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड सेल अज्यूम इज नॉर्मल फॉर्म, और सेल क्या करना स्टार्ट कर देगी, नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट कर देगी। तो ये स्टेजेस होती हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के अंदर, जिसके अंदर मेटाफेज था, देन यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज एंड टीलोफेज थी। इसके बाद यहाँ पे क्रोम हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गई है, तो इसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच हैड अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर चली गई है उनके अंदर क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनल एंड ये क्या करती है, जो सेल ऑर्गेनल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नियरली इक्वल रखती है। इन एनिमल सेल इट अकर्स बाई अ फरो फॉर्मेशन, दैट इज डिफरेंट सेल फॉर्मेशन गेट अरेंज्ड इन द सेंटर मिड बॉडी। मिड बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेल फिलामेंट्स होंगे, ठीक है, वो अरेंज हो जाएंगे सेंटर के अंदर एंड देयर एक्टिविटी कॉन्स्ट्रिक्ट द मेम्ब्रेन। एक्टिविटी क्या करेगी, मेम्ब्रेन को ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है, मेम्ब्रेन ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगी। द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ अपोजिट एंड्स मीट एट द सेंटर एंड सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। अभी जो सेल मेम्ब्रेन्स थी ये दोनों की दोनों आपस में ऐसे मिलेंगी एंड ये दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। तो ये होती है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। अब माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है, सेल साइज को मेंटेन करके रखती है ये। इट अकर्स फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स, रीजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल, इसको ये करती है। इट मेंटेन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हमने देखा था 4n बन गया तो वो अगेन 2n जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन जो है अमंग ऑर्गेनिज्म उसको ये सपोर्ट करके रखती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी माइटोसिस की। इसके बाद है नेक्स्ट मियोसिस, जो कि फार्मर एंड मूरे ने 1905 के अंदर डिस्कवर की थी। मियोसिस के करैक्टरिस्टिक है आपको, सबसे पहले इट अकर्स इन जर्म सेल्स, जैसे कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, ये जर्म सेल्स के अंदर होती है, जैसे कि सेमिनिफेरस एपिथीलियम ऑफ द टेस्टिस इन मेल्स एंड जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ द ओवरीज इन फीमेल। ठीक है, जो इनकी जर्म सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, उनके अंदर होती है यहाँ पे मियोसिस।
द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड मियोसाइट. जैसे कि इनको माइटोसाइट्स बोला जाता है, इनको मियोसाइट्स बोला जाता है. इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन. लाइक माइटोसिस एक इक्विटेशनल डिवीजन थी, एक रिडक्शनल डिवीजन है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. 2n था तो ये क्या करेगी नेक्स्ट, nn गिव राइज करेगी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो गया है डॉटर सेल्स के अंदर. इट इज बेसिकली मीन्ट फॉर द गैमिट फॉर्मेशन. अब हमें पता है गैमिट्स जो है हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड गैमिट बनते हैं. तो हैप्लोइड गैमिट्स बनने के लिए ये मियोसिस जो है ये इस मियोसिस होती है एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फॉर्मेशन. एंड जो हेरिडिटी फॉर्मेशन होती है लाइक दोनों पेरेंट्स से आती है तो एन नंबर एक से आ गया, एन नंबर एक से आ गया और अगेन क्या बना लिया, टू एन बना लिया. तो दोनों पेरेंट्स आने से आने की वजह से यहाँ पे वेरिएशंस भी कॉज होंगी. तो ये हेरिडिटी फॉर्मेशन में भी ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है. फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इसके अंदर जैसे माइटोसिस के अंदर दो डॉटर सेल बनी थी, यहाँ पे चार डॉटर सेल बनती है. इसके बाद इसके फेजेस क्या होते हैं, इंटरफेज आ गया सबसे पहले, इसको इंटरफेज वन बोल दिया क्योंकि मियोसिस जो है वन और टू दो मियोसिस होंगी. तो इंटरफेज वन होगा, मियोसिस वन होगी यहाँ पे. यहाँ पे हेट्रोटिपिक रिडक्शनल डिवीजन होगी जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस होगी जो कि मे और मे नॉट बी अकर. ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी होगी. एंड अब ये जो प्रोफेज स्टेज है इसके अंदर नेक्स्ट लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये स्टेजेस भी आती हैं यहाँ पे. इसके बाद इंटरफेज टू आएगा. इंटरफेज टू के बाद मियोसिस टू होगी, देन इक्विटेशनल डिवीजन. ये इक्विटेशनल डिवीजन होगी. मियोसिस टू इक्विटेशनल डिवीजन थी, मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन थी. तो लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले 2n था, 2n से यहाँ पे दो के अंदर nn आ गया, हैप्लोइड बन गया, रिडक्शनल डिवीजन हुई. देन यहाँ पे इक्विटेशनल डिवीजन जो होगी, इक्विटेशनल डिवीजन के अंदर ये जो नंबर है, ये जो प्लोइडी है वो मेंटेन रहेगी इक्विटेशनल डिवीजन. तो ये फोर जो है डॉटर सेल्स फॉर्म होगी यहाँ पे. इसके अंदर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू एंड देन साइटोकाइनेसिस टू होगी. तो ये मियोसिस के फेज है यहाँ पे. वन बाय वन हम इनको देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट है इंटरफेज वन. इंटरफेज जो है इट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज वेयर न्यूक्लियोलाई आर न्यूक्लियोलाई इज प्रोमिनेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट एंड क्रोमोसोम्स अपीयर्स एज क्रोमेटिन फाइबर्स. ठीक है, ये इंटरफेज के अंदर होता है. इसके बाद मियोसिस वन आएगी इसके अंदर, इंटरफेज वन के अंदर मियोसिस वन. मियोसिस वन के अंदर क्या होगा, प्रोफेज वन स्टेज आएगी. प्रोफेज वन जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है क्योंकि इसके अंदर फाइव फर्दर डिविजन्स होती है. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज होता है विच शोज एक्चुअल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिप्लोइड सेल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल रिडक्शन होता है. एक्चुअल जो हम बोलते हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन है, तो वो एक्चुअल रिडक्शनल जो है वो प्रोफेज वन के अंदर ही होता है. इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस. लाइक सबसे फर्स्ट स्टेज है लैप्टोटीन और इसको लैप्टोनीमा बोला जाता है. तो लैप्टोटीन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर इंटैक्ट. ठीक है, दोनों इंटैक्ट रहेंगी. क्रोमेटिन फाइबर्स आर शॉर्टन. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर शॉर्टन होने स्टार्ट होंगे. दे शो स्ट्रिंग्स ऑफ स्वेलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर अरेंज्ड इन होमोलोगस पेयर्स. ठीक है, ये क्या होंगे, क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस पेयर्स के अंदर अरेंज होंगे. हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बिलोंग टू द पेटर्नल साइड ऑफ एंड हाफ ऑफ द मेटर्नल साइड. तो ये हो गए यहाँ पे, हाफ पेटर्नल से आया यानी हाफ फादर से आया, हाफ मदर से आया. तो ये होमोलोगस पेयर के अंदर अरेंज हो जाएंगे. इन एनिमल सेल्स क्रोमोसोम शो पेक्युलियर बास्केट लाइक अरेंजमेंट कॉल्ड बुके. ठीक है, इसको बुके बोला जाता है क्योंकि एक बास्केट लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं एनिमल्स के अंदर. ये पेक्युलियर है बास्केट लाइक अरेंजमेंट. इसके बाद नेक्स्ट जाइगोटीन आएगी या फिर जाइगोनीमा आएगी. तो जाइगोटीन और जाइगोनीमा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलाई टेंड्स टू डिसअपियर. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी. टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स टू फॉर्म बाईवेलेंट. यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर थे ये बाईवेलेंट फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे एंड इस प्रोसेस को साइनेप्सिस और सिंडेसिस या फिर जाइगोसोमा बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या होगी, जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस होगी. नेक्स्ट स्टेज है पिकाइटिन और पिकाइनीमा. इसके अंदर लॉन्गेस्ट स्टेज होती है प्रोफेज की. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट स्टेज होगी प्रोफेज की. सेल कैन रिमेन इन द स्टेज फॉर इवन मैनी डेज.
सेल जो है इस स्टेज के अंदर बहुत दिन तक भी रह सकती है। बाइवेलेंट शॉर्टन अप, जो बाइवेलेंट्स बने थे यहाँ पे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, शॉर्टन अप करना स्टार्ट कर देंगे, छोटा होना स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ पे ये थिक हो जाएंगे एंड फॉर्म फोर क्रोमेटिड्स, ये क्या बना देंगे, ऐसे चार क्रोमेटिड्स फॉर्म कर देंगे अटैच टू सेम सेंट्रोमियर एंड ये क्रोमेटिड्स क्या होंगे, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। लाइक ये सेंट्रोमियर हो गया, ये चार क्रोमेटिड जो है एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और ये टेट्रेड की तरह अपीयर होते हैं हमें। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, शो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इनके बीच में क्या होंगे, लाइक ये दो सेगमेंट है, इसने इसका ट्रांसफर कर लिया, इसने इसका ट्रांसफर कर लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के अंदर लाइक ये जो है एक क्रोमोसोम था, इनके बीच में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है, ये अगर हम बात करें, ये ऐसा था, ये क्रोमोसोम जो है ऐसा था, थिक में जो दिखा रखा है ये था एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, अब ये जो पोर्शन है यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये और ये आपस में यहाँ से ऐसे जुड़ जाएंगे, तो हाफ पोर्शन इसका ऐसे आ जाएगा एंड हाफ पोर्शन जो है इसका ऐसे आएगा, ऐसे इसके अंदर हाफ पोर्शन ऐसे आ जाएगा एंड हाफ पोर्शन जो है ये ऐसे आ जाएगा, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी इसके बीच में। न्यूक्लियोलाई डिसअपियर कम्प्लीटली, कम्प्लीटली न्यूक्लियोलाई यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पिकाइटिन के अंदर क्या होता है, टैटर्ड फॉर्मेशन होती है एंड क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट है डिप्लोटीन और डिप्लोनीमा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते हैं डिजोल्ड एक्सेप्ट एट द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसा बना था, ठीक है, इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो ये ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बना था यहाँ पे, ये जो इस रीजन से जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे छोड़ के बाकी सारे पे डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, बाकी सारा डिजोल्व हो जाएगा, दे शो डिजंक्शंस, ये डिजंक्शंस शो करते हैं। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड काइजमेटा, एंड जहाँ से ये जुड़ते हैं उसको काइजमेटा बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले न्यूक्लियोलाई हुई यानी न्यूक्लियोलस हुआ, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया डिप्लोटीन के अंदर। सेंट्रियोल डिवाइड एंड फॉर्म डिप्लोसोम, यहाँ पे सेंट्रियोल भी डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ पे सेंट्रियोल माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, डिप्लोसोम जो है यहाँ पे डिवाइड हो गई है, तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ ऐसे मूव करेंगे जाएंगे एंड ये फॉर्म करेंगे एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड देन काइजमेटा शिफ्ट्स एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इसके बाद क्या होगी, टर्मिनलाइजेशन होगी, इसके अंदर ये जो काइजमेटा था वो टर्मिनल एंड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स के। ठीक है, ये जो काइजमेटा था ये मूव करता करता ये आगे की तरफ चला जाएगा एंड ये जो है ये टर्मिनल एंड्स के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये ऐसे मूव करेगी, लाइक ये अगर इस पोजीशन पे है नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट में ये यहां पे मूव कर जाएगा, काइजमेटा यहां पे मूव करेगा एंड फाइनली ये बिल्कुल टर्मिनल पे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कहां जाएगा, बिल्कुल टर्मिनल पे आ जाएगा, ये टर्मिनल पे आ गया, तो ये टर्मिनल के क्रोमोसोम्स के टर्मिनल पे आ जाएगा काइजमेटा, तो ये डाइकाइनेसिस होती है। इसके बाद मेटाफेज वन आएगी, इनकी प्रोफेज हमने डिस्कस कर ली, मेटाफेज वन के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, लाइक वहाँ पे बनने स्टार्ट हुए थे स्पिंडल्स एंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, ओरिएंट देमसेल्व्स एट द इक्वेटर, जैसे कि माइटोसिस के अंदर था वैसे ही यहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑफ स्पिंडल इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट्स की फॉर्म में। फिर एनाफेज वन आएगी, एनाफेज वन के अंदर एक्टिव रिपल्सन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स लीड्स टू देयर सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे एंड ये टुवर्ड्स द पोल्स ऐसे पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ एंड देन माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज इररेगुलर एज द स्मॉलर क्रोमोसोम्स सेपरेट रैपिडली। ठीक है, लाइक हमने एनाफेज माइटोसिस एनाफेज के अंदर देखा था, उसके अंदर पेरीफ्री की तरफ क्या था, यहाँ पे पेरीफ्री की तरफ मेटाफेज के अंदर देखा था, मेटाफेज के अंदर क्या देखा था, पेरीफ्री की तरफ जो बड़े क्रोमोसोम्स है वो अरेंज्ड है एंड छोटे हैं वो अरेंज्ड है, यहाँ पे छोटे क्रोमोसोम्स अरेंज है सेंटर के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉलर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं रैपिडली।
जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं. एंड जो लॉन्गर वन है अनस्टेक एंड टेक्स मोर टाइम टू डू सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल काइजमेटा. एंड इनके अंदर इंटरनल काइजमेटा भी होता है, वो धीरे धीरे मूव करता है, तो इसकी वजह से इनके अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पे माइग्रेशन हो जाएगी. इट इज द स्टेट वेयर एक्चुअल रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अकर. यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल क्रोमोजोम्स का जो रिडक्शन है वो होगा, एक्चुअल क्रोमोजोम्स का रिडक्शन होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेलोफेज वन, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड क्रोमोजोम्स रीच अप टू पोल्स, क्रोमोजोम्स जो है पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे. स्पिंडल डिसअपियर हो जाएंगे कम्प्लीटली, एस्ट्रल रेस कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी. साइटोकाइनेसिस होगी, इट अकर्स बाई सेल फरो फॉर्मेशन इन द एनिमल सेल. यहाँ पे क्या बनेगी, सेल फरो बनेगी, जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस होगी एनिमल सेल के अंदर. एंड प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट बनती है. प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, प्लांट्स के अंदर ऐसे बीच में यहाँ पे प्लेट बनती है, देन यहाँ पे ये जो है ऐसे डिवीजन होती है. लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है. यहाँ पे फर्रो बनती है, फर्रो की वजह से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाती है. साइटोकाइनेसिस इस स्टेज के ऊपर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो ये स्टेजेस हमने देखी थी. इंटरफेज आया, इंटरफेज के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आई, जैसे कि जाइगोटिन आई, जिसके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना एंड बाइवेलेंट बने. देन डिप्लोटिन आई, जिसके अंदर डिप्लोसोम बने, यानी कि यहाँ पे सेंट्रोसोम सेंट्रो या फिर सेंट्रियोस डिवाइड हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे काइजमेटा की फॉर्मेशन हुई. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, बाइवेलेंट बनेंगे, एट द इक्वेटर पे चले जाएंगे मेटाफेज वन के अंदर. इससे पहले जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आएगी, जैसे कि लेप्टोटीन पेकाइटिन एंड डाइकाइनेसिस आएगी, देन यहाँ पे मेटाफेज वन आएगी, ठीक है. तो इसके अंदर लेप्टोटीन के अंदर होमोलोगस पेयर बनना स्टार्ट हो गई, देन टेट्रेड की फॉर्मेशन हुई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्रॉसिंग ओवर हुई यहाँ पे काइटीन के अंदर, देन टर्मिनलाइजेशन हो गई, यहाँ पे टर्मिनल कर जाएंगे. एंड देन यहाँ पे मेटाफेज आएगी, जिसके अंदर बाइवेलेंट इक्वेटर के ऊपर चले जाएंगे, एक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे. देन यहाँ पे एनाफेज आएगी, जिसके अंदर ये अगेन डाइड बनेंगे, यानी कि अपोजिट तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. देन टीलोफेज आएगी, जिसके अंदर ये बिल्कुल ये स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा. देन साइटोकाइनेसिस होगी एंड देन स्टार्ट होगी यहाँ पे प्रोफेज टू, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पे प्रोफेज टू स्टार्ट होगी. तो प्रोफेज टू जो है, सबसे पहले इंटरफेज टू आएगी, ये भी माइटोसिस की इंटरफेज से मिलती जुलती है, बट इट इज विदाउट स्टेज, ठीक है. इसके अंदर कोई स्टेज नहीं होगी. मियोसिस टू आएगी इसके बाद, ये भी माइटोसिस से सिमिलर होती है, ये एक इक्विटेशनल डिवीजन होती है, ठीक है. जैसे माइटोसिस इक्विटेशनल थी, मियोसिस टू भी इक्विटेशनल डिवीजन है. इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएगी, जिसके अंदर प्रोफेज टू आएगी, जिसके अंदर क्रोमेटिड्स छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे. मेटाफेज टू के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे. देन यहाँ पे एनाफेज के अंदर ब्रेकिंग होगी सेंट्रोमियर्स की, जो कि अकर्स इन द क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल, ठीक है. एनाफेज के अंदर जो है ये ब्रेक होंगे एंड ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे. देन टेलोफेज टू के अंदर क्रोमोसोम्स पोल्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी. तो ये मियोसिस टू के अंदर होता है, ठीक है. जैसे कि मेटाफेज टू आई, इसके बाद यहाँ पे एनाफेज हुई, ठीक है. मेटाफेज के अंदर इक्वेटर पे आ गए, देन एनाफेज हुई, यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट कर गए एंड ये बिल्कुल यहाँ पे टीलोफेज के अंदर क्या आ गए, यहाँ पे टीलोफेज के अंदर ये चले गए अगेन पोल्स के ऊपर एंड देन चार के अंदर ये डिवाइड हो गए, जो कि हैन है एंड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गई, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गई, यानी कि इनके जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गए, यहाँ पे डिवाइड हो गए एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, चार डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ तक हमने माइटोसिस एंड मियोसिस एंड सेल सेल इंट्रैक्शन डिस्कस कर लिए हैं. इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से रिवाइज करना. तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है.
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक रिवीजन करते रहिए। एंड वीडियो अगर पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।